Hi kids, welcome to your new class of grammar, and this is your Grammar Glitter Odyssey by Brain Roots, and we are starting with grade 5, chapter number 1, that is using the dictionary. So let's start with the chapter और हम retract करते हैं that हमें क्या चीज़ already मालूम है. We have learned that जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं और जो डिक्शनरी होती है उसमें हमेशा हम किसी भी वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं तो वो भी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टास्क एंड वी हैव टू अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सिनोनिम्स. अब सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है कि ये सारे वर्ड्स एक ही वर्ड के मीनिंग है. आपने यहाँ देखा cheerful, jolly, pleased, delighted, happy, joyful. तो हम अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट करते हैं ए बी सी. तो हमें यहाँ पर सी मिला. दैट मीन्स cheerful विल कम एट नंबर 1, राइट. हमें इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. उसके बाद क्या आपको यहाँ कोई वर्ड दिख रहा है जो डी से स्टार्ट होता है? वेरी नाइस, दैट इज डिलाइटेड. तो ये सेकंड नंबर पे आएगा, राइट. उसके बाद ई से कोई अल्फाबेट नहीं है, एफ नहीं है, जी नो वर्ड इज देयर फ्रॉम जी. देन वी हैव एच, सो वी टेक दिस एज द थर्ड नंबर, राइट. एंड एच के बाद आई जे. अब आप ध्यान से देखेंगे तो जे से स्टार्ट होने वाले दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, जे एंड जे. और जॉली में जे के बाद ओ आ रहा है, एंड टू योर सरप्राइज यहाँ जॉयफुल में भी जे के बाद ओ आ रहा है. तो हम थर्ड अल्फ़ाबेट को कंपेयर करेंगे. यहाँ एल है, यहाँ वाई है. एल पहले आता है जब आप ए टू जेड बोलते हैं, यस. सो दिस विल बी कमिंग फर्स्ट. तो ये फोर्थ नंबर पर आ जाएगा और ये आपका फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा. और उसके बाद हमें जो लास्ट में दिख रहा है दैट विल बी सिक्स नंबर, दैट इज प्लीज्ड. इंटरेस्टिंग वे. अब हम आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर. वी से डिटरमाइन, रिव्यू, प्रिपेयर, लर्न, मास्टर एंड स्टडी. तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ ए से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड नहीं है, नो वर्ड फ्रॉम बी एंड सी ऑल्सो, एंड वी हैव डी. तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा. उसके बाद ई, नो वन, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एल, यस, एल इज हियर. तो ये वाला लर्न वर्ड सेकंड नंबर पर आएगा. एल के बाद एम आता है, एंड वी राइट हियर नंबर 3, राइट. देन वी हैव एन. एन नहीं है यहाँ पर. ओ, पी, पी इज देयर. तो ये थर्ड नंबर पर, इसके बाद फोर्थ नंबर पर आपका प्रिपेयर आ जाएगा, राइट. एंड उसके बाद पी के बाद क्यू, क्यू नहीं है. आर इज देयर, दैट मीन्स ये आपका फिफ्थ नंबर का वर्ड आ जाएगा, रिव्यू. एंड देन लास्ट में आपका वर्ड आएगा दैट इज सिक्स नंबर पर, स्टडी. तो आपका अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा? डिटरमाइन, देन लर्न, देन मास्टर, प्रिपेयर, रिव्यू and study. Got it? And the remaining parts आप खुद try करेंगे, and it will be a very interesting activity. अब हम आगे चलते हैं. You have to put these words in alphabetical order. और आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर first alphabet B है सब जगह, right? उसके बाद L is everywhere, yes. And उसके बाद A भी आ रहा है third alphabet, right? तो BLA सब जगह आ रहा है, राइट. अब हम इसको छोड़कर फोर्थ वाले अल्फाबेट को देखेंगे, राइट. तो यहाँ सबसे पहले C वाला अल्फाबेट आएगा. तो दिस इज नंबर 1, देन D इज नंबर 2, राइट. एंड उसके बाद हम देखेंगे E वाला कोई भी अल्फाबेट नहीं है, F नहीं है, G, H, I, J, K, L, M, yes, M is coming here. तो ये थर्ड नंबर पर आएगा. और N यहाँ ब्लैंक में N आ रहा है तो ये फोर्थ नंबर पे आएगा. और सबसे लास्ट में आपको मिलेगा ग्लेज, राइट.
सो दिस विल कम एट द लास्ट राइट. एक और कोशिश करते हैं. लेट्स टेक द थर्ड पार्ट. क्रेजी, क्रीक, क्रैम्प, क्रेट एंड क्राफ्ट. सो आप ध्यान से देखेंगे सारे वर्ड्स में स्टार्टिंग में सी आर आ रहा है राइट. एंड उसके बाद अगर आप और ध्यान से देखें तो थर्ड अल्फाबेट ए ए ए एंड ए. दैट मीन्स ये वाला वर्ड आपका आउट रूल होकर फिफ्थ नंबर पर आएगा, ये सबसे लास्ट में. अब हमें देखना है कि इन फोर वर्ड्स में से पहले कौन सा वर्ड आएगा. तो हम फोर्थ अल्फाबेट को कंपेयर करेंगे. यहाँ जेड है, यहाँ एम है, यहाँ टी है, यहाँ एफ है राइट. तो हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि क्राफ्ट नंबर वन पे आएगा और एफ के बाद क्या आता है, जी एच आई जे के एल एम. यस दिस इज एम. तो ये सेकेंड नंबर पे आएगा. एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी. ये आपका थर्ड नंबर का वर्ड हो गया एंड क्रेजी हो गया आपका फोर्थ नंबर का वर्ड. और सबसे लास्ट में फिफ्थ नंबर पे आपका वर्ड आएगा क्रीक राइट. सो आई थिंक रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स कम टू द सी पार्ट. पुट दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन डिक्शनरी. तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को आप खुद करेंगे राइट. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो डी के बाद ए वाले वर्ड्स हैं हम उनको पिक करेंगे और इनमें कंपेयर करेंगे कि ए के बाद यहाँ आर आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है राइट. तो क्यू आर, आर पहले आता है तो इसलिए ये आपका फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, ये आपका सेकंड नंबर पर हो जाएगा राइट. उसके बाद हम देखते हैं यहाँ डी आई है, यहाँ डी आई है बट यहाँ ई ई राइट. सो ये आपका वर्ड हुआ डी ई ई पी, ये थर्ड नंबर का हो जाएगा एंड डिपेंड विल बी ऑन फोर्थ नंबर. और यहाँ आते हैं डायरेक्ट और डिस्टेंस में आर पहले आता है ना इससे, तो इसलिए ये आपका फिफ्थ नंबर का और ये आपका सिक्स नंबर का. अंडरस्टूड. और इस तरह से आप रिमेनिंग पार्ट्स खुद करेंगे. सो वी मूव फर्दर एंड वी आर गोइंग टू मीट विद अ न्यू वीडियो सून. सो गुड बाय फॉर नाउ.